हेलो फ्रेंड्स, मैं मिकी, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेकी वेज पे। दोस्तों, रियल मी 2 प्रो में बहुत दिनों से बात चल रही थी कि एक नया अपडेट आने वाला है, और अब फाइनली वो अपडेट आ चुका है, जो कि मेरे मोबाइल में मैं दिखाता हूं आपको कि मैं कौन सा डिवाइस यूज़ करता हूँ। अबाउट फ़ोन में आप देख सकते हैं कि मैं रियल मी 2 प्रो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरे पास सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया है, और वो सॉफ्टवेयर अपडेट जो है 178 MB का है, जिसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं हमें। आप देख सकते हैं इसमें अपडेट्स, एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच है, दूसरा है अपडेट बूस्ट एंड डाउन एनिमेशन है, एंड सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम लोगों के पास नहीं थी इस रियल मी 2 प्रो में, वो है चौथे नंबर का जो सिंगल स्वाइप नोटिफिकेशन डिसमिस है। हम लोग जब नोटिफिकेशन को स्लाइड करते थे, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैं एक नोटिफिकेशन को स्लाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे डिलीट करने के लिए आ रहा है, सिंगल स्वाइप ये हट नहीं रहा है। तो अब हम इस अपडेट को अपडेट करने के बाद से चेक करते हैं कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा फिर इसमें हेडसेट का आइकॉन नहीं बनता था जब हम लोग ईयरफोन लगाते थे। तो अभी मैं इस अपडेट को डाउनलोड करता हूँ, उसके बाद से फिर देखा जाता है कि क्या ये अपडेट काम कर रहा है, कैसा है कैसा नहीं है। तो बस आप बने रहिए और मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास रियल मी 2 प्रो में एक अपडेट आया और मैंने उसको अपडेट अपना कर लिया है। करने के बाद से क्या फ़ीचर्स थे उसमें, मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि उसमें फ़ीचर्स क्या थे। सबसे पहला फ़ीचर मैं आपको बताता हूं जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है, वो सिंगल स्वाइप पे नोटिफिकेशन को डिसमिस करने वाला है। दूसरा ये कि हेडसेट लगाने के बाद से जब भी आप ईयरफोन लगाते थे अपने मोबाइल में, हेडसेट का आइकॉन नहीं आता था, और अब वो आइकॉन आएगा आपके स्टेटस बार। तो दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे Realme 2 Pro में अपडेट करने के बाद से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ नोटिफिकेशन आए हुए हैं जिनको मैं लेफ़्ट में स्लाइड कर रहा हूं, तो वो एज़ इट इज़ है जैसे कि वो पहले आते थे। डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, और अगर मैं इसको राइट में स्वाइप करता हूं तो ये नोटिफिकेशन गायब हो जा रहा है, ठीक, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन के बाद हम देखते हैं कि ईयरफोन लगाने पे क्या हमारा ईयरफोन का आइकॉन बनता है या नहीं बनता है। तो चलिए मैं ईयरफोन लगाता हूँ, और आप देख सकते हैं कि ऊपर राइट साइड में कॉर्नर पे एक ईयरफोन का आइकॉन बन चुका है। हाँ, देखिए आप, और मैं एक बार फिर से नोटिफिकेशन को देखता हूँ, लेफ़्ट स्लाइड करने पर डिलीट का ऑप्शन आता है, और राइट स्लाइड करने पर ये नोटिफिकेशन गायब हो जा रहा है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, ये एक बड़ा अपडेट आया है Realme 2 Pro में अपडेट करने के बाद से, कि आप नोटिफिकेशन को राइट साइड में स्लाइड करते हैं तो नोटिफिकेशन गायब हो जाता है। ईयरफोन जब लगाते हैं तो ईयरफोन का आइकॉन ऊपर बन जाता है, और कुछ कैमरे में भी इसका ऑप्टिमाइजेशन आया हुआ है, जिसको मैं एक अलग वीडियो बना करके आपको दिखाऊँगा कि कैमरे में क्या चेंजेज़ आए हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल टेकी वेज को।